आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी का पेपर टर्म 2 का, जैसे आपका एग्जाम होने वाला है कल हिंदी का, तो उसके लिए हमने ये पेपर आपको दिया है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखे इसके टाइमिंग की तो 2 घंटे आपके पास टाइम होता है, 40 नंबर का ही आपका हिंदी का पेपर होगा। सामान्य निर्देश पे आते हैं हम। सामान्य निर्देश में क्या कहा गया है देख लेते। पहला कहा गया सामान्य निर्देश में निम्नलिखित निर्देशों को जो है सावधानी से पढ़ना और उसका पालन करना है। दूसरा जो कहा गया इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यहाँ पे टोटल जो है 9 क्वेश्चंस है और दो सेक्शन में ही डिवाइड होंगे, ठीक है। प्रश्नों में जो है प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यहाँ तक आपने जो है इसके जो भी रहता है, ठीक है, सामान्य निर्देश वो आपने देखा। यहाँ से आपका सेक्शन ए यानी खंड क जो है चालू हो जाता है। यहाँ से आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा, मैं सबके आंसर जो है क्वेश्चन के बाद ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि इसका जो नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गए, सॉरी मार्क्स हो गए, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा आपका जो है एक दृश्य लेखन, ठीक है। दो आपके टॉपिक दिए रहेंगे, उसके ऊपर दो में से किसी एक के ऊपर आपको जो है दृश्य लेखन लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य लेखन में हमने लिया है, जो पहला क्वेश्चन आपका दृश्य लेखन के ऊपर है, साप्ताहिक बाजार का दृश्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए लिया गया है कि जो साप्ताहिक बाजार है उसका दृश्य आपको बताना है। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने आपको बता रखा है दृश्य लेखन में क्या होता है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, हेडिंग यहाँ पे आपने डाल दिया। फिर उसके बाद जो है आपको एक सब हेडिंग के रूप में जो जो आपके साथ जो भी आपको दृश्य देखा, अपने जो जो यूनिक चीजें है उसको आप जो है क्या क्या घटनाएं हुई है वो आप चीजें लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सुक्कर बाजार लिख रखा है, दुकानदार हो गया, मजदूर हो गया, सखी सहेलिया हो गया, रेडीमेड गारमेंट हो गया, ठीक है। बाकी और भी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकती है, ये आपको जरूरी होता है लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 5 तो जरूर लिखिए, ठीक है, 4 से 5 आपको ये जरूर लिखना है सब हेडिंग के रूप में। इसके बाद जो है यहाँ से आपका जो है दृश्य लेखन चालू हो जाता है। जैसे साप्ताहिक बाजार का दृश्य, तो हमारे क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार बाजार लगता है, क्योंकि यह शुक्रवार को लगता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है शुक्र बाजार पड़ गया है। इस बाजार में भाग लेने वाले दूर दूर से आते हैं। बाजार जो है दोपहर बाद लगना शुरू हो जाता है, करीब 4 बजे जो है मोहल्ले के लोग शुक्र बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। महिलाओं में तो यह बाजार जो है खासा लोकप्रिय है। जैसे दोपहर बाद जो है दुकानदार अपनी दुकानें लगाना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे महिलाएं भी जो है सखी सहेलियों के साथ इस बाजार की जो है चर्चा करना शुरू कर देती है। कुछ तो बाजार में घर को जो है जरूरी सामान ले जाने के लिए निकलती है, और कुछ ऐसी है जो केवल इस बाजार में घूमने की इच्छा से चली आती है। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, दृश्य लेखन होगा साप्ताहिक बाजार के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ मैं हर एक चीज पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, आपको दृश्य लेखन इस तरह से लिखना है। दृश्य लेखन वही होता है जो आपने देखा और आपको जो है उसे लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सही से आपको जो है सभी देखना है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में जो है आपका अथवा दिया रहेगा, ठीक है। अथवे में पूछा गया हिंदी विषय की कक्षा का दृश्य, हिंदी जो विषय है उसकी कक्षा का दृश्य है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया एक सब हेडिंग के रूप में आपको ये लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ऑब्लिक भी लगा सकते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्लिक लगाइए आप, सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हिंदी कक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे आप कोई भी आपके मतलब आपको खुद ही लिखना है, इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपको, बस लिखना जरूरी है आपका, ठीक है। कक्षा के मुख्य दरवाजे से ठीक ऊपर पीली पट्टी में काले रंग के मोटे अक्षरों में कमरा नंबर जो है 104 अंकित है। प्रवेश द्वार के कई जो है बाई तरफ 11वीं के नाम की तख्ती लगी है। हिंदी विषय की कक्षा चल रही है। कक्षा के भीतर श्यामपट्ट पर जो है हिंदी विषय से संबंधित शब्दार्थ लिखे हुए। श्यामपट्ट के सामने की दीवार पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर जो है सभी विषयों के रंगीन चार्ट लगे। डेस्कों की चार कतार पर सभी छात्र जो है शांत बैठे वे तल्लीनता से पाठ जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है आप इसके अंदर लिख देंगे, ये आपका जो है इस तरह से आप उसके अंदर क्या घटनाएं हुई गई, ठीक है, टीचर ने क्या बोला, किसको क्या बोला, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है बातें भी हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्सेशंस भी आ जाएंगी टीचर और अध्यापक की भी, जो भी आप कर रहे हो उसको भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका दृश्य लेखन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। दृश्य लेखन देखिए कठिन नहीं होता है, आप जो है आपने देखा उस दृश्य को आप अपने आप से जो है लिखेंगे,
अगर आपने पूरा लिखा है, 150 शब्दों में बोला गया है, उतने में लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि ये आपके ऊपर है। ठीक है, दृश्य लेखन में आपको ये चीजें याद रखनी है। एक आपका हेडिंग आ गया, एक आपका ये सब हेडिंग के रूप में कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, और लास्ट में जो है कट टू का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कट टू का यूज किया जाता है, तो पहले में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे आप जो है कट और टू लास्ट में आप इसे लिख देंगे, तो ये आपका जो है दृश्य लेखन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका जो है पहला हो गया, दूसरा भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी जो आप देखेंगे लास्ट में कट टू का यूज किया गया है, तो ये जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आए तो दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका जॉब लेटर के रिकॉर्डिंग आएगा, जिसमें यहाँ पे दे रखा है जॉब लेटर। ठीक है, आपने विज्ञापन देखा और उसके अनुसार अपनी योग्यता का विवरण देते हुए प्रधानाचार्य को जो है आवेदन पत्र लिखना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह जो है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, परीक्षा भवन नई दिल्ली, डेट। ठीक है, फिर प्रति प्रधानाचार्य, यहाँ पे जो पहले सेवा में आता था प्रति हो गया, तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रति आएगा। ठीक है, मैं भी एक बार जो है बच्चों को सेवा में बता दिया हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं था, जब पता चला तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ प्रति आएगा। इसके बाद जो है स्कूल हो गया, फिर आपका एड्रेस हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे TGT हिंदी पद के लिए जो आवेदन कर रहे हैं आप, यहाँ पे जो है फिर उसके बाद महोदय या महोदया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने कहाँ देखा इसको, जैसे दैनिक जागरण में जो है दिनांक 2 जनवरी 2021 को प्रकाशित विज्ञापन से मुझे ज्ञात हुआ कि SL पब्लिक स्कूल में क्या है, TGT जो हिंदी के पद है वो बचे हुए, और मैं इस पद को इस मैं अपने आप को जो है इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन परिश्रम और निष्ठा से करूंगी। ये चीजें आपको लिख देनी है। फिर इसमें मेन चीज होता है आपका जो है सव्रत, ठीक है, यानी आपका जो है यहाँ पे संलग्न आएगा। ठीक है, संलग्न यहाँ इससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका भवदीय और काकागगा जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद जो है आप जॉब लेटर में क्या क्या देना पड़ता है आपको भी पता है, बायोडाटा। ठीक है, सव्रत कहते हैं हिंदी में बायोडाटा को, काफी बच्चे नहीं जानते हो, इसको बायोडाटा कहते हैं, और यहाँ पे आपको जो है देना पड़ता है अपना जो भी नेम है, पिता का नाम है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिर शैक्षणिक की योग्यता जो भी है वो आपको बतानी है, पासपोर्ट जो है, आकार फोटो। तो सबसे पहले हम सबरेट पे आते हैं, बायोडाटा पे आते हैं, यहाँ पे बायोडाटा मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ये बायोडाटा है, और यहाँ पे जो आपका नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, जन्म तिथि क्या, स्थाई पता है, मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत होती है। फिर इसके बाद शैक्षिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी पद के लिए, हिंदी जो है यहाँ पे ये भी देखना है आपको कि किसके लिए, TGT हिंदी पद के लिए, तो उसके लिए आपके होने क्या चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि आपको जैसे नहीं पता आप वहाँ पे UPSC कुछ हो गया या कुछ और हो गया, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो हिंदी पद के लिए जैसे पहला जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, मैंने यह क्रम संख्या परीक्षा और डिग्री विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्यालय और विश्वविद्यालय कितने कौन से वर्ष में जो है उत्तीर्ण किए हैं और प्रतिशत कितने आए थे, तो 10वीं कक्षा हमने CBSE बोर्ड 2011 में 80%, ठीक है, 12वीं कक्षा CBSE बोर्ड 2013 90%, हिंदी ऑनर्स किया हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, 2015 में 70% के साथ, BEd किया दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2017 में ये 78% के साथ, और MA हिंदी किया है DU से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2020 में 81% के साथ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अन्य योग्यता है आप वो भी लिख देंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो जाएगा, कार्य अनुभव आप बताएंगे इसमें उपलब्धियां हो जाएगा, अभिरुचि और भाषा ज्ञान, ये चीजें आप इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, और लास्ट में आप जो है साइन डाल देंगे, हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर डाल देंगे, और कुछ इस तरह से जो है आपका ये लेटर हो जाएगा। तो ये आपका जॉब लेटर था, हिंदी इंग्लिश में जॉब लेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको लेटर लिखना था, जिसमें आपको जो है अपनी योग्यता बतानी थी, विज्ञापन आपने देखा और आपको जो है जॉब लेना है, उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसी के अथवे में आएंगे तो यहाँ पे एक और लेटर मिलेगा आपको अथवे में। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान जो है विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता आपको प्रकट करते हुए जो है भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय उसके सचिव को पत्र लिखना है। ऑनलाइन शिक्षण के दौरान जो है यहाँ पे दो दो बार गलती से जो है टाइप हो गया, तो इसे आप छोड़िए। ठीक है, सचिव को सचिव आपको जो है शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखना है, तो यहाँ से सेवा में, ठीक है, माननीय सचिव महोदय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विषय क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विषय ऑनलाइन शिक्षा से जो है विद्यार्थियों को हो रही शारीरिक समस्याओं के संबंध में पत्र जो है मान्यवर, ठीक है, इस तरह से। फिर सभी ने निवेदन किया कि मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट का रहने वाला हूँ, मैं आपका ध्यान जो है इस समस्या की शिकायत की ओर जो
आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं महामारी जब जो है महामारी आई थी, ठीक है, और एक लॉकडाउन लगाया है जिसके कारण जो है, मतलब महामारी आई और लॉकडाउन लगाया जिसके कारण बहुत सारे आप लिख सकते हो खुद, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, मैं बताने की पूरा पूरा बता दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप देख सकते हो, बाकी आप लिख सकते हो किस तरह से लिखना है, ठीक है, क्या क्या समस्या आई है, शारीरिक समस्या है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो। इसी में आगे चलोगे आप तो तीसरा क्वेश्चन जो आएगा आपका प्रतिवेदन के ऊपर आएगा। प्रतिवेदन तैयार करना किसके ऊपर, दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को लिखना। तो दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने में हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली के नोट को सार्थक बनाने हेतु समिति का गठन किया गया जिसमें कुछ इतने सदस्य थे, यहाँ आप देख सकते हो, और कुछ इस तरह से समिति ने जो है प्रतिवेदन किस तरह प्रस्तुत किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसे देख सकते हो। फिर जो है लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है, सभी के सचिव हो गए, अध्यक्ष हो गए, सदस्य जो आए थे उनके सदस्य जो भी शामिल हुए इसमें भाग लिया है जिन्होंने, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आप इसमें प्रतिवेदन तैयार कर लेंगे। फिर इसी के अथवा में आपको देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में अथवा है तो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। फिर जो है कार्यवृत तैयार करना है आपको किसके ऊपर, 21 फरवरी 2022 को जो है विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, उनका जो है कार्यवृत तैयार करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, फिर इस प्रकार से जो है सदस्य जो आए थे, सदस्य जो है उसके नाम लिख देंगे आप। फिर उसके बाद जो है कुछ इस तरह से जो है कार्यवाही का जो आरंभ है, अध्यक्ष द्वारा जो अपने सभी सदस्यों का स्वागत करने से हुआ, इसके पश्चात उन्होंने अपने अनुभवों से अवगत कराया जिससे हम अपने वार्षिक तोत्सव को अधिक प्रभावशाली और सफल बना सके। सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। तो कौन कौन सी बातें हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात है जिसमें आप पूरा पूरा पढ़ के मैं बता दूं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये चीजें जो है बात हुई इनके बीच, पांचवा, छठा, सातवा, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर। तो कुछ इस तरह से जो है ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। ये आपका जो था अथवा था, किसका अथवा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी दो पार्ट है, ये क था, नीचे आपको ख दिखेगा, ठीक है, ख में आपको अथवा दिखा, आप ख में चलते हैं तो यहाँ से ख चालू हो जाता है, ख में भी जो है आपको अथवा दिखेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मरण पत्र क्या होता है, स्मरण पत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे अनुस्मारक यानी रिमाइंडर भी कहा जाता है। जब किसी पत्र, ज्ञापन, विज्ञापन आएगा इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक जो है भेजा जाता है, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप तो औपचारिक पत्र की तरह होता है पर आकार छोटा होता है। यदि एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो उन्हें अनुस्मारक 1, 2, 3 इत्यादि लिखते हैं। इसी के अथवे में आप देखेंगे तो पूछा जाएगा आपसे अनुसांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे बोला गया अनुसांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं। तो सहायक टिप्पण को जब संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है तो टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत अनुसांगिक टिप्पणी कहलाता है। अनुसांगिक टिप्पणी प्राय संक्षिप्त तो होती है और किंतु असहमति की स्थिति में यह विस्तृत भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अथवा था ये आपका, तीसरे का ये खा था और जिसमें आपका दोनों में से कोई एक करना था, ठीक है। तो यहाँ आगे आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने, आपको प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हम देखते हैं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिवेदन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक प्रतिवेदन, ठीक है, तो औपचारिक पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। तो जब सरकार या किसी संस्था द्वारा अथवा विशिष्ट अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य को विशेष के बारे में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहा जाता है, ठीक है, किया जाता है उसे औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। इसका वस्तुनिष्ठ और तथात्मक जो है होना अनिवार्य होता है। वही एक होता है आपका अनौपचारिक प्रतिवेदन, ठीक है, दूसरा पार्ट है ये, अनौपचारिक जो है प्रतिवेदन दूसरा प्रकार है ये। तो अनौपचारिक प्रतिवेदन किसी व्यक्ति विशेष का अपना अध्ययन एवं निष्कर्ष है। समाचार पत्रों में इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहते हैं, इसमें जो है अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता रहता है होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ये आप कर देंगे, इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं इसमें जो है आपने देखा क्वेश्चन नंबर चौथे में क था, इसमें ख भी है, तो ख में पूछा गया है कि फ्लैश बैक और फ्लैश फॉरवर्ड पर जो आपको टिप्पणी करना है। तो फ्लैश बैक आप जानते होंगे, फ्लैश बैक जैसे फ्लैश बैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में किसी घटना को जो है दिखाया जाता है और फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देते हैं। आपने अपने मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, आपने देखे होंगे मूवीज में ये सारी चीजें।
आगे आते हैं खंड क ख पर। यहाँ पे जो है आपका सेक्शन ए जिसे खंड क कहेंगे वो पूरा का पूरा हो गया, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर आपको कर लेना है रेडी। क्वेश्चन जो है हिंदी में ऐसा होता है, सेम आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पूरा देखना है, सही से देना। आगे आते हैं हम सेक्शन आपका बी खंड ख पर। ठीक है, तो इस पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी बुक से पूछे जाएंगे, और आपने जितनी भी अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा है उससे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने आपको 50 से 60 शब्दों में। तो पहला पूछा गया रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखा रखा है। रिश्ते न खुलने के ना खुलने के कारण है रिश्तों पर गरीबी की मार का पड़ना। गरीबी के कारण ही घर के लोग एक दूसरे से खींचे खींचे रहते, वे खुलकर बात भी नहीं कर पाते। आर्थिक दबावों ने पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसको की मधुरता को समाप्त कर दिया है। सभी एक दूसरे से जो है नजरें बचाते फिरते हैं, आत्मीय होते हुए भी वे खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है यानी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। तो कुछ इस तरह से जो है का आंसर आ जाएगा। खा देखे तो यहाँ पे पूछा गया है ख में कि तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है, इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका आंसर है। इस पंक्ति का आशय है कि चंचल और युवा हिरण अपनी ही नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर इधर उधर जाता है, और उसे कहीं भी ना पाकर खींच उठता है, उसे स्वयं पर ही चिढ़ हो जाती है। वास्तव में कस्तूरी की गंध उसकी नाभि से ही निस्तृत होती है, लेकिन भोला हिरण इस सत्य से जो है अपरिचित होता है, वह उस गंध को पाने के लिए भागता रहता है। कवि ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है और उसकी जो है कल्पना आंखों में संजोए हुए है। तो ख का आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रश्नों के आंसर बोले देने के लिए, और इसमें टोटल तीन है तो दो आपके हो गए, तीसरा ये इन दोनों में इन तीनों में से कोई दो के आंसर देने। यहाँ पे तीसरा जो है आपका गा जाग तुझको दूर जाना है कविता में अमरता सूत्र का जो संबोधन किसके लिए और क्यों किया गया है। तो ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से आपका, कविता में अमरता सूत का संबोधन जो है संघर्ष करने की क्षमता से संपन्न मानव समूह के लिए हुआ है। ठीक है, और जीवन पथ पर चलते रहने वाले मनुष्य को तमाम तरह की जो समस्या कठिनाइयों आदि का सामना करना पड़ता है, संघर्ष में लगे लोगों की जाने जाती है, किंतु जो है संघर्ष करने की क्षमता कभी कुंद नहीं पड़ती। मानवीय चेतना की मृत्यु नहीं हो सकती, उसके लिए आलस्य या आक्रमणीयता मृत्यु के समान है। इसलिए कवित्री महादेवी वर्मा अमरता सूत का जो है संबोधन चेतनाशील और संघर्षशील मनुष्य के लिए जो है करती है। यहाँ पे आगे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका छठा आ जाता है। उनमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 का आंसर आपको देना था। छठे पे आते हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का जो उत्तर देना है आपको 30 से 40 शब्दों में। तो का पूछा गया है सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री में किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है यानी सपनों को जो है सत्य रूप में बदलने के लिए जो है कवित्री में जो है किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा गया। तो एक मनुष्य यहाँ पे आंसर दे रखा है, एक मनुष्य को अपने समस्त सपनों को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर मौजूद समस्त गुणों को बाहर लाना होगा, और उन गुणों को जो है किसी भी व्यक्ति की वजह से किसी भी परिस्थिति के कारण खत्म नहीं होने देना होगा। तभी वह व्यक्ति जो है अपने सपने को साकार कर सकता है और अपनी मंजिल मंजिल जो है वो पा सकता है, हासिल कर सकता है, अपनी मंजिल तक जा सकता है। इसी में जो है आपका अथवा दिया गया है, इसमें आपको जो है यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन 8 छठा है, इसमें एक प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पे आपके दो है, दो में से किसी एक का देना। खा देख लेते, कवि ने महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, पर्वतीय प्रदेशों में भयंकर ठंड के समय जो है कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफानों से लड़ते देखा है। प्राय पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं, जिनके कारण आकाश में भयंकर जो है गर्जना होने लगती है। उन्हें देखकर जो है आभास होता है कि वे लड़ रहे, इसी कारण कवि ने जो है कहा है कि महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका दोनों में से कोई एक करना होगा। सातवें क्वेश्चन पे आएंगे, तो सातवां क्वेश्चन जो है इसमें भी आपके जो है 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर दे रहे 50 से 60 शब्दों में। तो पहला जो है ज्योतिबाई फूले का नाम जो है समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित जो है उत्तर लिखना। तो देखिए इनका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसे लोग थे इसमें
जो भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलनों आंदोलन में 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं। उस सूची में ज्योतिबाई फुले का जो नाम है फुले को शुमार नहीं किया गया। इसका कारण था, इस सूची को बनाने वाले कौन थे? उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे, और ज्योतिबाई जो फुले थी ये ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्य को जो है कायम रखने वाली तत्कालीन शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। वे ब्राह्मणवादी मानसिकता पर प्रहार करते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। खा पे आते तो खा है आपका, चल ये लोग जो है मारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर जो है खानाबदोश कहानी की पूरी संवेदना स्पष्ट करनी है आपको। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से, खानाबदोश कहानी में मानो और सुकिया अपने मकान के लिए जो है प्रयास करते हैं, किंतु जो है समृद्ध लोग उनके सपनों को जो है चकनाचूर कर देते हैं। ये उनका घर ना बनने देने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। यद्यपि जो है मजदूर ही पूंजीपति वर्ग के आलीशान महलों को खड़ा करते हैं, और पर उनके जीवन में एक झोपड़ी का सपना भी जो है बनकर रह जाता है। जो एक झोपड़ी का सपना भी जो है सपना बनकर रह जाता है। पूंजीपति वर्ग नहीं चाहता कि श्रमिक जो है वर्ग सुख चैन की जिंदगी जिए, वह उसे जो है अपना मोहताज बनाए रखना चाहता है। यही कहानी की मूल संवेदना है। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर इसकी मूल संवेदना आपने जाना। गा जो है, गा पे आएंगे, इसका तीसरा जो क्वेश्चन है यह है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे इसका जो है आंसर कुछ इस तरह से है, मूलतः मनुष्य संवेदनशील प्राणी है और उसमें करुणा की भावना विद्यमान रहती है, पर वह गूंगेपन की स्थिति में रहती है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में मनुष्य की जो है करुणा की भावना, जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में जो है फंसने की आशंका आदि कारणों से मुखर नहीं हो पाती। वह उस भावना के अनुरूप उसे व्यवहार के रूप में नहीं ढाल पाता। वह व्यवहार में संवेदनहीनता को दर्शाता है। वह गूंगे बहरों के प्रति अपनी करुणा को व्यवहारिक रूप नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सातवें का तीन था, तीन में से कोई दो करने थे। देखिए आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना 30 से 40 शब्दों में। तो क्वेश्चन है आपका, मजदूरों को उनकी मजदूरी देते वक्त जो है भट्टा मालिक के रवैये का वर्णन करो। तो एक ही है आंसर कि जो है, और जो भट्टे का जो मालिक था वो उन्हें टाइम पे पैसा भी नहीं देता था। ठीक है, और जो है यहाँ तक कि देख लीजिए दिहाड़ी भी ना देते, और साथ में उनको जो है जान से मार डालने की धमकी भी दिया करते थे। यहाँ पे जो कुछ इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे अगला जो है खा है, चमेली को जो है गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। तो गूंगे ने चमेली को अपने बारे में बताया कि बचपन में जब गूंगे का पिता मर गया तो उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। गूंगा ये भी बताता है कि बचपन में जो है किसी ने गला साफ करने की कोशिश की, मैं उसे काकल को ही काट दिया। गला साफ करने की कोशिश करी और उसके जो है उसके काकल को ही काट दिया। फिर वह इशारों में ये कहता है कि वह कभी मांग कर नहीं खाता, वह हमेशा अपनी मेहनत का कमाता है और खाता है, किसी से भी जो है किसी की भीख नहीं लेता। गूंगे के माता पिता के मरने व चले जाने के बाद उसे जो है उसके बुआ और फूफा ने पाला। वह उसे बहुत मारते पीटते थे और वह चाहते थे कि गूंगा बाजार में पल्लेदारी करके जो है पैसा लाकर उन्हें दे, इसलिए वह अब वहां वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आठवां हो जाएगा। नौवे पे आएंगे तो नौवे में आपको जो है दो है, नौवे में भी एक का है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है, मकबूल का अपने परिवार में जो है किससे सबसे ज्यादा लगाव था, तो वो था दादाजी से। ठीक है, और जो इसी में जो अथवा दिया गया है आपका क में, वो दिया गया है शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव की कोई एक समानता लिखनी है। तो दोनों पुस्तक प्रेमी थे, आत्मसम्मानी, लेखन के शौकीन थे, सौंदर्य बौद्ध युक्त। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हो, कोई एक लिखना है आपको। यहाँ पे खा पे आएंगे, नौवे का ही खा में जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आंसर देने, इसमें भी टोटल तीन क्वेश्चन होंगे। पहला जो है मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण जो है घटना का वर्णन करना है। तो यहाँ पे जो है शरारतपूर्ण घटना जो है, अब मकबूल जब दुकानों पर बिठाया गया तो उसका जो सारा ध्यान था वो ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। उसे ना तो चीजों की कीमतें याद रहती थी और ना कपड़ों की जो है पहनाई का पता रहता था। हिसाब में 10 रुपए लिखता तो किताब में 20 का स्केच बनाता था। वह जर्नल स्टोर पर बैठे बैठे सामने जो भी गुजरते थे, जैसे महारानी का स्केच हो गया, महत रानी का स्केच बनाता था, बोरी उठाए मजदूर हो गया, पंच वाली पगड़ी का स्केच बनाता था, पठान की जो दाढ़ी उसका स्केच बनाता था, बुर्का पहने जो है औरत उसका स्केच बनाता था, तथा बकरी के बच्चे का स्केच बनाता रहता था। दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा जो ये पाठ है आपका, इसके आधार पर आपको बताना है
कि उस समय और वर्तमान समय में जो पढ़ने लिखने के तौर तरीके है उसमें क्या अंतर है, आप पढ़ने लिखने के कौन से तरीके के पक्ष में। देखिए पहले जो पुराने समय के और अभी के पढ़ने के तरीकों में अंतर दिखे तो उस समय आदर्शवादी पुस्तकों के स्थान पर वर्तमान समय में बहुउपयोगी मनोरंजक व ज्ञानवर्धन पुस्तकें पढ़ना, शिक्षकों का कठोर अनुशासन के स्थान पर जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा जो है शिक्षा देना, शारीरिक दंड की अपेक्षा जो है प्यार से समझाकर व्यवहार व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करना, जीवन के किसी एक क्षेत्र की शिक्षा के स्थान पर सर्वांगीण विकास पर बल देना। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे आप इसमें। और यहाँ पे तीसरे जो क्वेश्चंस पे आएंगे, तीसरा क्वेश्चन है कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, अब उसमें जो है क्या बदलाव आया। तो कला के प्रति पहले लोगों का नजरिया अच्छा नहीं था, उसे जो है कोई विशेष महत्व जो है नहीं दिया जाता था। कोई भी पिता अपनी जो है संतान को कला का जो है तालीम नहीं दिलाना चाहता था। कला को काम की वस्तु नहीं माना जाता था, इसे जो है समय बर्बाद करने वाला जो है माना जाता था। अब कला के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, अब कलाकार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अच्छे कलाकार की पेंटिंग्स काफी महंगे दामों पर बिकती है, कला को एक अच्छा व्यवसाय भी मान लिया गया है। तो कुछ इस तरह से ये आपका पूरा पेपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हिंदी का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। और ये सारे क्वेश्चंस एक से लेके पूरे 9 क्वेश्चंस तक जितने भी क्वेश्चंस आए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, यहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन देख पाओगे। और प्रैक्टिस पेपर जो है मैंने आपका जो है हिंदी के प्रैक्टिस पेपर में आपके जो है 3-4 पहले भी बना रखे, तो उन प्रैक्टिस पेपरों को जो है 3-4 जो मैंने पहले ही बना रखे उनको भी जरूर देख ले, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।